नेक्स्ट विल बी द मीनिंग. ये आप लोगों ने चार्ट बनाना है मेरे साथ, ठीक है जी. उसके बाद अगेंस्ट, और उसके बाद ना उसकी स्पेसिफिकेशन, रीजन की कहाँ लगती है वो, कहाँ हम उसको हम यूज कर सकते हैं. यूजेज, रीजन बोलती हूँ मैं, या अदर्स करके लिख लो, कुछ भी लिख लो आप लोग. सबसे पहली हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट कौन सी है गाइस? दैट इज योर हैबियस कॉर्पस. एक ना वर्ड बार बार ना कभी आप लोग ना इसमें भी पढ़ोगे, दैट इज योर लोकस स्टैंडाई. मैंने बताया लैटिन के वर्ड्स ना बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हैं. एलएलबी का खुद का जो है ना आपका जो मतलब है वो कहीं ना कहीं बहुत अजीब सा आपको फुल फॉर्म है उसका लैटिन का, देख सकते हो, उसको सर्च कर सकते हो. आप लोगों को तो नहीं आएगा वो कैट के पेपर में जनरली पूछते हैं. तो मतलब कि ये बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है, और ये जो लोकस स्टैंडाई का मतलब है ना, बार बार हम लोग ये चीज़ पढ़ेंगे पढ़ेंगे नहीं एक्चुअली, अगर आपने इसको रीड किया ना तो आप लोगों के बार बार सामने आएगा. इसका मतलब ये होता है क्या बंदा खुद से ये रिट जो है जाहिर कर सकता है कि नहीं कर सकता. स्टैंडी का मतलब खुद स्टैंड होके वो कहीं ना कहीं अपना जो है केस दोबारा सुप्रीम कोर्ट के पास लेके जा सकता है कि नहीं. तो अगर तो वो डिटेन्ड होगा तो ऑब्वियसली नहीं कर सकता. अगर वो वहां पे प्रेजेंट है तो वो अपने भी कर सकता है और कोई और भी कर सकता है उसकी जगह, ठीक है. तो इसका मतलब समझ में आ गया. सो गाइज, आर्टिकल नंबर 32 सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, दैट इज अबाउट द हैबियस कॉर्पस के बारे में. क्या होता है हैबियस कॉर्पस? एक जना ना अपनी बुक निकाल के एक जना इसको ना रीड करता रहे, जो हमारे रिट्स है ना उसके अंदर एक जना रीड करता रहे, बाकी सुनते रहना. अ लैटिन वर्ड आगे जाके थोड़ा सा ना आगे. हैबियस कॉर्पस, इट इज अ लैटिन टर्म. प्लीज अंडरलाइन एंड प्लीज राइट डाउन ऑल्सो. इसके बीच में दैट इज टू हैव द बॉडी. लैटिन का वर्ड है जिसका मतलब क्या है आपका? टू हैव द बॉडी. जी, इट इज अ ऑर्डर. अब इसमें क्या होता है बच्चे, कोर्ट ना डायरेक्ट करता है, इश्यू करता है आपका अगेंस्ट हूम, टू द अदर पर्सन. जिसने ना किसी बंदे को जबरदस्ती पकड़ा हो, चाहे वो आपका पब्लिक अथॉरिटी हो, मजिस्ट्रेट के पास लेके आना जरूरी था बट लेके नहीं आया वो लोग, तब है भी इसको कॉर्पस लग सकता है. पब्लिक प्राइवेटली भी ना कई बार हम लोग क्या करते हैं, बंदे को ना पकड़ के रख लेते हैं अपने घर के अंदर. केरला में केस हुआ था, वहां पे गए जो लड़का था ना उसने, वो मोहम्मदन था और लड़की जो थी वो हिंदू धर्म से थी, तो उन्होंने ना उसको मतलब कि घर पे रख लिया था और शादी कर ली थी आपस में. तो वो उसके घर वाले उसको बुलाते रहते थे, वो उनका फ़ोन नहीं उठाती थी, कुछ नहीं करती थी. तो उन्होंने बोला था, कहते ये हमारे बेटी के साथ ज़बरदस्ती कर रहे हैं. तो गए थे उन्होंने, ये हैबियस कॉर्पस लगाई थी, और फिर कोर्ट ने क्या किया था, डायरेक्ट किया था, ठीक है, अगेंस्ट दीज प्राइवेट इंडिविजुअल्स. तो ऐसे ही प्राइवेटली भी हो सकती है कि आप उसको पेश करो गवर्नमेंट के आगे, कोर्ट के आगे उसको पेश किया जाए. टू हैव द बॉडी, तभी बोल रहे हैं कि आपने उस बंदे को अरेस्ट किया था, उस सामने लेके आओ उसको, उसकी गलती क्या है पहले देखेंगे. अगर उसकी रिलीज होती होगी, उसको बेल मिलती होगी, तो उसको बेल दे दो. टू हैव द बॉडी, हैवियस कॉर्पस, ठीक है, रीड करो उसको पूरा.
यस क्यों लेके आ रहा है गाइस, व्हाट इज द रीजन, लीगैलिटी ऑफ द डिटेंशन देखने के लिए, क्या उसको लीगली हम लोगों ने पकड़ा है कि नहीं पकड़ा, डिटेंशन उसकी लीगल है कि नहीं है। सो समझ में आया, ये समझ में आया, लिखो उसको एक बार, इसको बाद फिर उसके बाद कर लो। ये वैसे आपके एल्बियम के अंदर भी पेज नंबर 56 आउट ऑफ 158 बना पड़ा है, अगर आप वहां से देखना चाहते हो तो उसको वहां से देख सकते हो। इश्यूड बाय अ कोर्ट टू अ पर्सन हु हैज डिटेन्ड सम अदर पर्सन। समझ में आ गई बात, ये लिखना लिखो, ये नहीं लिखना तो ना लिखो, कोई चक्कर नहीं है ऐसा, दिस पर्टिकुलर पॉइंट, बाकी ये सारा कुछ लिख लेना, इसको लिखना ऑप्शनल है, बाकी सारा इम्पोर्टेंट है। आपको समझ में आ गया ना, किसी को पकड़ा हुआ कोर्ट के आगे हाजिर करना है एक बारी, किसकी लिगैलिटी देखें कि उसने क्यों पकड़ा, क्या वो लड़की ने खुद जबरदस्ती शादी की है फोर्सफुली है, कि शी इज हैप्पी, वो अडल्ट है वो माइनर है वो कैसी है, तो वो सब चीज़ें ध्यान में रखी जाती हैं। ठीक है जी, हाँ जी आगे बढ़ो। ठीक है, अगर वो बंदा ज़बरदस्ती पकड़ा गया है तो हम लोग उसको क्या कर लेंगे गाइस, उसको फ्री कर देंगे इफ़ द डिटेंशन इज इलीगल। जी दस बुलवॉक ऑफ द इंडिविजुअल लिबर्टी अगेंस्ट द आर्बिटरी डिटेंशन, इट इज एन बुलवर्क ऑफ द इंडिविजुअल लिबर्टी। इंडिविजुअल लिबर्टी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्या पता किसी ने किसी को घर में कैद करके रखा हो बिना मतलब के, डिटेन करके रखा हो, मार पीट रहा हो, कुछ भी। हाँ जी उसके बाद गए, द रिट ऑफ द हैबियस कॉर्पस कैन बी इशूड, बता दिया मैंने आप लोगों को, पब्लिक अथॉरिटी प्लस एज वेल एज योर प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट में, दोनों में हो सकती है। आप ये क्वेश्चन बड़ा एक ट्रिकी क्वेश्चन बनता है कि किसके अगेंस्ट हो सकती है, तो प्राइवेट भी आ रही है और यहाँ पे पब्लिक भी आ रही है। जी ठीक है, वहाँ पे वो इंटरवीन नहीं कर सकती, डिटेंशन ऑब्वियसली अगर ठीक है तो ठीक है, ठीक है उसके बाद उसने कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लेजिस्लेचर किया है, या फिर उसके सुप्रीम कोर्ट है, या उसी की जितनी पावरफुल कोर्ट है, या उसकी ज्यूरिसडिक्शन से ही बाहर है। ज्यूरिसडिक्शन से बाहर मतलब मैं अब आप लोगों पे दोष जमा सकती हूँ कि आप लोग लिखो, है ना, जबरदस्ती बोलूँगी आपको लर्न करो, पर मैं किसी और राह चलते बंदे को कोई बोल दूंगी कि नहीं तुम ये लर्न करो, नहीं तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी, खाना नहीं खाने दूंगी, तुम्हारे साथ मैं जबरदस्ती कर सकती हूँ, तो मेरी ज्यूरिसडिक्शन के अंदर हो, पर जहाँ पे मेरी नहीं चलती तो वो आउटसाइड माई ज्यूरिसडिक्शन, तो वहाँ पे ये बात हो रही है, दैट इज योर ज्यूरिसडिक्शन। समझ में आ गया हैबियस कॉर्पस, ठीक है, दैट इज टू हैव द बॉडी, द लिटरल वर्ड लेटिन वर्ड है, अगेंस्ट किसकी हो सकती है, पब्लिक एंड योर प्राइवेट, क्यों करते हैं, ताकि हम लीगैलिटी को चेक करें कि क्या वो लीगली है आपके डिटेन हुए कि नहीं। समझ आ गई, चलो जी नेक्स्ट पढ़ना शुरू करते हैं हम लोग, दैट इज द वर्ड इज योर, नेक्स्ट वर्ड इज योर मैंडमस। अब मैंडमस का ना नाम ही बता रहा है कि वर्ड में ना आपका आ रहा है कि कोई बंदा ना कमांड करने की कोशिश कर रहा है, मी वाली रूट आ रही है, तो मम्मा क्या करती है, शी ऑलवेज कमांड,
तो यहाँ पे इसका लिटरल मीनिंग भी क्या है गाइस, दैट इज वी कमांड। चलो पढ़ना शुरू करूँ। प्लीज अंडरलाइन, इट इज अ कमांड इशू द कोर्ट टू अ पब्लिक ऑफिशियल। अब यहाँ पे किसको कर रहे थे हम लोग, टू अ पर्सन। यहाँ पे इशू तो कौन कर रही है आपकी, कोर्ट ही कर रही है, बट किसको कर रही है, हाँ जी पढ़ो आगे। किस लिए कर रही है, रीजन क्या है, पहले में क्या था, क्या वो लीगल है डिटेंशन के नहीं, अब क्यों कर रही है। अगर उसने ना अपनी कोई ऑफिशियल ड्यूटी परफॉर्म नहीं की जो कि उसको करनी चाहिए थी, पढ़ो इसको फिर एग्जांपल देते हैं। देखो 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 आराम से, पब्लिक बॉडी के अगेंस्ट हो सकती है, जहाँ पे ना सामान लेने वाला होता है ना, तो मैं उसको बहुत धीरे धीरे कराती हूँ क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, इसमें क्वेश्चन बनते हैं ट्रिकी कि किसके अगेंस्ट होती है बार बार, तो भी मैं बहुत ज़्यादा एम्फोसिस डाल रही हूँ उस पर, तो आराम से लिखते भी रहो और पढ़ते भी रहो, कोई बात नहीं, ये इम्पोर्टेंट है, बाकी बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। पब्लिक बॉडी और अ कॉर्पोरेशन, हाँ जी, इंफीरियर, इंफीरियर मतलब छोटी कोर्ट, अपने से हायर अथॉरिटी की तो नहीं कर सकती, कॉम्पिटेंट कोर्ट की नहीं कर सकती जो बराबर की है, बट किसको कर सकती है, जो उससे छोटी कोर्ट है, हाँ जी। पीसीएस ने बहुत टाइम से पोस्टर नहीं निकाली, कोई भी पीसीएस किसी भी स्टेट की, तो दे विल आस्क देम कि आप क्या कर रहे हो, आप अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर रहे, आपने बोला था कि आप इतनी पोस्टर निकालोगे, ये आपकी ऑफिशियल ड्यूटी बनती थी कि इतने टाइम से आपकी इतनी सारी पोस्टें खाली पड़ी हैं तो आपको निकालनी चाहिए थी, जस्ट एन एग्जाम्पल, ठीक है जी। जब आप अपनी ऑफिशियल ड्यूटी नहीं कर रहे, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हमने प्राइवेट लिखा है, तो प्राइवेट में तो हम किसी को पूछ नहीं सकते कि रिलायंस ने इस साल पोस्टें क्यों नहीं निकाली, बताओ रीजन दो, नहीं ना, पर हम किसको क्वेश्चन कर सकते हैं, ऑब्वियसली गवर्नमेंट ऑफिसर्स को कर सकते हैं क्योंकि उनकी ड्यूटी बनती थी। पीसीएस जो जुडिशियल एग्जाम है ना, जो जुडिशरी की है, वो हमेशा बहुत टाइम से रेगुलर चल रही है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उनको डंडा दिया था, क्या कर रहे हो, इतने केसेस आपके चल रहे हैं, आपके जजेस पूरे नहीं हैं, बैकलॉग इतना इकट्ठा हो रहा है, वो क्यों नहीं निकालती गवर्नमेंट, पैसा नहीं है, कहते एक पैसे की बात तो अलग ही है, कहते यहाँ पे जो है ना, एक हमारे इंडिविजुअल के राइट्स के बारे में बात हो रही है, आप इसके साथ ना आप खिलवाड़ नहीं कर सकते, इसी वजह से वहाँ पे रेगुलर पोस्ट है और उनको डंडा मिला था उस टाइम, क्योंकि अपनी अपनी ऑफिशियल ड्यूटी करते रहे, रेगुलरली करते रहे। तो हम ये किसके अगेंस्ट कर सकते हैं बच्चे, एक पब्लिक बॉडी के अगेंस्ट, कॉर्पोरेशन या आपकी कोई इंफीरियर कोर्ट, या फिर आपके ट्रिब्यूनल, या फिर गवर्नमेंट के अगेंस्ट, वो गवर्नमेंट मतलब कि किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस के बारे में बात कर सकते हैं, वहां कमांड करेंगे दैट यू हैव टू डू दिस, ये आपकी ड्यूटी बनती है, समझ में आया, दिस इज योर सेकेंड वर्ड, इसको लिखो, फिर हम थर्ड वर्ड पे जंप करते हैं।
बच्चे ये दो हमारे जो नेक्स्ट रिट्स है ना, एक है प्रोहिबिशन और दूसरी है सर्शियरी। ये दोनों जो हमारे रिट्स है ना, ये काफी सिमिलर हैं, सिमिलर हैंड्स में, काफी सिमिलर हैंड्स में। सिर्फ फर्क ये आता है कि सपोज करो कि ना अभी हम लोगों का ना एक कोर्ट केस चल रहा है, वो भी छोटे की आपके जो है कोर्ट में है, बट हम लोग क्या करना चाहते हैं उसको हायर कोर्ट पे लेके जाना पड़ता है, जाना चाहते हैं। मतलब ही कोर्ट ही कोर्ट को डायरेक्ट करेगी यहाँ पे। जैसे हमने पढ़ा ना अभी तक ऑफिशियल नॉन ऑफिशियल या प्राइवेट पढ़ रहे थे, यहाँ पे क्या है कोर्ट और हायर कोर्ट के बारे में बात हो रही है कि हायर कोर्ट छोटे कोर्ट को बोलेगी, लोअर कोर्ट को बोलेगी, इन्फीरियर कोर्ट को। ये दोनों केसेस में यही हो। अब हो क्या रहा है एक्चुअली में कि ना, अगर सपोज करो कि केस ना हमारा चली जा रहा है, चली जा रहा है, और हमें लग रहा है ये ना इसकी पेरिफेरी से बाहर है, इसकी ज्यूरिसडिक्शन से बाहर है। कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन क्या होती है? कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन तय होती है बच्चे कि केस में ना कितने पैसे इन्वॉल्व हैं, उसकी लिमिट क्या है। अगर उससे करोड़ का केस है तो वो हायर कोर्ट के पास जाता है, तो ऐसी उनकी लिमिट्स होती हैं। इस वे में ना हम लोग उसको करते हैं। तो हमें जब लगता है ना कि ये नहीं, ये तुम्हारी पेरिफेरी में नहीं है, और ऑनगोइंग ही केस, अभी केस की वर्डिक्ट नहीं आई है, चल ही रहा था जब हमने उसके ऊपर कोई रिट लगाई है, तो उसको क्या बोलते हैं? प्रोहिबिशन, प्रोहिबिट कर दिया उसको। और कोर्ट की जब ऑर्डर पास हो गया एंड वी आर नॉट सेटिस्फाइड, उसको अपील ज्यूरिसडिक्शन भी बोलते हैं कि अपील कर दी दोबारा से। द कोर्ट ऑर्डर हैज बीन पास्ड, तब हम लोग उसको क्या करेंगे? क्योर करेंगे और उसके ऊपर क्या लगा देंगे? आपकी सोशियारी लगा देंगे। द कोर्ट हैज ऑर्डर हैज बीन पास्ड, ये भी पर किसके अगेंस्ट होएगी गाइस? आपकी हायर और लोअर कोर्ट के बीच में ही आपकी आपस में बात होगी। इट कैन नॉट बी द अदर वे। यहाँ पे प्राइवेट भी नहीं आएगा ना गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आएंगे, ये सिर्फ कोर्ट्स आपस में करती हैं। समझ में आई ये चीज? डन, पढ़ना शुरू करो। दैट इज योर प्रोहिबिशन। जी प्लीज प्लीज, दैट इज टू फॉरबिड। यहाँ पे इसका लिटरल मीनिंग क्या है? टू फॉरबिड, फॉरबाइड कर देना, मतलब हटा देना, बना कर देना उसको। जी टू द हायर कोर्ट, टू द लोअर कोर्ट और द ट्रिब्यूनल। मैं यहाँ पे लिख दूँ, हायर कोर्ट किसको डायरेक्ट कर रही है आपका? टू द लोअर कोर्ट। ट्रिब्यूनल भी तो यही करती है ना। ट्रिब्यूनल कौन होता है? व्हाट इज अ ट्रिब्यूनल गाइस? ट्रिब्यूनल का क्या काम होता है? दोनों झगड़ा कर रहे थे ना, तो आके मैंने सुलह कराई इनकी, तो मैं कौन हूँ? ट्रिब्यूनल हूँ। द वन हु इज एन इंटरमीडिएटरी, मेरा कोई है नहीं इनके आपस में कुछ भी, ठीक है? मुझे कोई ताल्लुकात नहीं है, कुछ नहीं है, मैं एक न्यूट्रल पर्सन हूँ। शायद अगर हरप्रीत वहां से बोलेगी तो बायस रहेगी, या अर्श वहां से बोलेगा तो बायस रहेगा। मैं कौन हूँ? आई एम अ न्यूट्रल पर्सन, आई एम अ ट्रिब्यूनल, मैं दोनों का साथ दूंगी, ठीक है? ट्रिब्यूनल वो होती है जो कि आके वे को इंटरमीडिएटरी और अच्छे से सुलझाती है, और वो होते एक्सपर्टीज जज ही हैं उनके। जैसे कि आप एनडी, हाँ वो तो एनजीटी के पास जाता है, डिफरेंट डिफरेंट होता है, एनजीटी के पास जाता है, कुछ और जाते हैं। कहीं पे हम लोग ऑन ऑन ऑफिशियल ट्रिब्यूनल भी बना देते हैं, जैसे विराट कोहली के अगेंस्ट अगर कोई केस दर्ज हुआ है, जिसने सचिन को कुछ बोल दिया या फिर कुछ, वो वहाँ पे भी ट्रिब्यूनल चलते हैं, बहुत तरीके से जाते हैं। पर ट्रिब्यूनल में जनरली ऑफिशियल अगर ट्रिब्यूनल में, वहाँ तो जजेस चाहिए होता है। अदरवाइज जैसे कि मैंने बोला कि मैं भी ट्रिब्यूनल अगर मैं तुम्हारी सुलह करा रही हूँ, वैसे वहाँ पे शायद विराट और उसकी कोहली की लड़ाई हो रही होगी, तो वहाँ पे धोनी भी हो सकता है इंटरमीडिएटरी। हाँ जी पढ़ो इसको। क्या करता है मैंडमस? क्या करता है? एक्टिविटी बता रहा है ना, करो, और प्रोहिबिशन क्या बोल रहा है? नो एक्टिविटी, इनएक्टिव हो जाओ तुम लोग।
यही है ना, पर इसका कोई इतना कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, इसको ना लिखो तो बस इतना ही। उसके बाद सेकंड पैराग्राफ, एंड क्वाजी जुडिशियल अथॉरिटी। क्वाजी मीन्स जिसके पास थोड़ी बहुत आपकी पावर्स है, जैसे ट्रिब्यूनल इज अ क्वाजी, सारा आपका जुडिशियल नहीं है पर थोड़ी बहुत पावर्स होती हैं जी। इट इज नॉट, प्लीज मैंने इसको ना यहाँ पे लिखा है गाइस कि ना एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल ना यहाँ पे आपके जो है ना पावर्स यहाँ पे आती है, यहाँ पे नहीं होती, तो कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। तो मैंने वैसे यहीं पे लिखा था सिर्फ कि एडमिनिस्ट्रेटिव जो है हमारी, हम लोग अगर जाहिर कर सकते हैं, दैट इज ओनली इन योर सोशल। इसी नेचर की वजह से बच्चे जब हम लोग बोलते हैं ना बेटर देन क्योर, पहले ही ऑल आउट जला लो ताकि मच्छर भाग जाएं, ठीक है, रेदर देन कि हम लोग बाद में उसका इलाज करते फिरें, डेंगू का है ना, चिकनगुनिया का, जो पता तुम्हारे साइंस एंड टेक में जो बातें हुई हैं, ठीक है। तो प्रिवेंट करना, दैट मीन्स पहले ही आप प्रिकॉशन ले रहे हो। ऑर्डर पास होने वाला था उससे पहले ही रोक दिया, तो उसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, इट इज प्रिवेंटिव इन नेचर। मतलब कि प्रोहिबिशन इज प्रिवेंटिव इन नेचर। ऑर्डर पास हो गया, बुखार चढ़ी गया, उसके बाद उसको क्योर कर रहे तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, इट्स क्यूरेटिव इन नेचर। बट एडमिनिस्ट्रेटिव में ना आपका ऑन गोइंग भी अगर आपका केस चल रहा हो, एडमिनिस्ट्रेटिव के बीच में ना आपके ट्रिब्यूनल या फिर अथॉरिटीज के अंदर कोई केस चल रहा हो और हमने इसको छीन लिया उनसे, तो इसी वजह से यहाँ पे हमने इसको बोला सोशारी को, इट इज प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव। चाहे इसको भी रट्टा मार लो कि ये तो क्या है हमारा, पी से प्रोहिबिशन, पी से प्रिवेंटिव, सी से सोशारी, सी से क्यूरेटिव प्लस प्रिवेंट, कि कल दिन को दोबारा ना हो जाए, तो उस वे में याद रखना चाहिए। शारी के नीचे बताओ, हाँ जी, व्हाट इज द लिटरल मीनिंग, टू बी सर्टिफाइड। चलो ठीक है, इट इज प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव, द ऑर्डर हैज बीन पास्ड, पढ़ लिया। एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज के अगेंस्ट हो सकता है सो शारी में, और किसके अगेंस्ट हो सकता है, ठीक है, जुडिशियल एंड क्वाजी जुडिशियल, दैट इज योर लोअर कोर्ट टू योर हायर कोर्ट टू योर लोअर कोर्ट और योर ट्रिब्यूनल्स, ठीक है, डन। और यहाँ पे मैंने बता दिया दैट द केस इज गोइंग ऑन और द केस इज नाउ इनएक्टिव और द ऑर्डर हैज बीन पास्ड। समझ में आ गई, डन, लास्ट पढ़े। हाँ जी, द मीनिंग इज, अच्छा लिख रहे हो आप लोग, ऑन वाले ऑनलाइन गाइज यू कैन शेयर योर मैप्स, जो आप ये अभी बनाओगे 32 वाला आर्टिकल वाला, यू कैन शेयर द मैप्स विद कशिशमैन ऑन द स्पेशल नंबर्स, मैं चेक करूँगी और फिर फीडबैक दूंगी। यू कैन मेक दिस चार्ट ऑनलाइन गाइस, प्लीज शेयर इट विद कशिशमैन। और लर्न करके भी जो लिखता है ऑनलाइन के अंदर गाइस, आप लोग प्लीज जो चीज़ें हैं शेयर कर दिया करो ताकि मैं फीडबैक दे सकूँ कि आप क्या लिख रहे हो, कैसे हैं। तो अगर आप कोई आर्टिकल भूल रहे हो तो मुझे वहाँ पे कम्युनिकेट करो, तो आई विल लेट यू नो कैसे आप उसको लर्न कर सकते हो।
चले, लास्ट वाला पढ़े। द लास्ट गाइस इज योर क्यू पेरेंटो, क्यों आखिर क्यों किया तुमने, तो ये भी यही है एक्चुअली में। तो लैंग्वेज देखो सारी ना एक जैसी होती है, वो चाहे लैटिनी है ना कुछ भी है, पर रूट्स हमेशा सेम ही होती है। और इसका मतलब ही यही है, बाय व्हाट अथॉरिटी, तुमने ऐसा क्यों किया। एक्चुअली में इसका ना लिटरल मीनिंग यही है। होता क्या है इस केस के अंदर ना, इस रिट के अंदर ना पर्टिकुलरली, अगर आपने ना कोई जुडिशियल, आपका कोई ऑफिशियल, आपकी ना कोई पोस्ट थी, उसकी रिटायरमेंट एज ना 58 थी, पर आपने उसको 62 तक एक्सटेंशन दे दी, या 60 थी तो 64 कर दिया आपने, किसी भी मीन्स में, जैसे कि ना आपके डीजीपी जो आपके थे, मेरे ख्याल से सुरेश अरोड़ा बनाए थे उन्होंने, उनकी वैसे तो 58 होती है जब आपकी स्टेट की आपकी रिटायरमेंट एज है, उनको उन्होंने 62 में रिटायरमेंट दी थी। तो हम लोग वहाँ पे ना क्यू वारंटो डाल सकते हैं कि आपने किस अथॉरिटी से उनको एक्सटेंशन दी, जब अलाउड ही नहीं है, जब कॉन्स्टिट्यूशन में वो चीज़ आपके रूल्स एंड रेगुलेशन ही नहीं बोलते, तो आप इसको उनको ऐसे कैसे कर सकते हो। आपने ऐसा क्यों किया, बाय व्हाट अथॉरिटी। तो वो बताते हैं कि उस टाइम पे ना कोई एलिजिबल ही नहीं था काफी टाइम तक, तुम वो पोस्ट जो है ना सिक्योरिटी रीजंस की वजह से खाली नहीं रहने दे सकते थे तुमने, इसलिए उसको क्या किया हमने, एमेंड कर दिया हम लोगों ने, और उनको 2 साल की एक्सटेंशन दे दी थी। तो इसका यही मतलब है, बाय व्हाट अथॉरिटी। ठीक है, पढ़ना शुरू करो, दैट इज योर क्यू वारंटो। इट इज इशूड बाय द कोर्ट टू इंक्वायर इन टू द लीगैलिटी ऑफ द क्लेम ऑफ द पर्सन टू द पब्लिक ऑफिस। आपने कैसे किया ये, ठीक है, अगर आपकी वहां पे एमसीए थी आपकी, पर आपने बीसीए वालों को भी ले लिया, आपने अपने रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज किया, तो यू कैन पुट योर क्यू वारंटो इन टू इट, किस अथॉरिटी से, लीगैलिटी ऑफ द क्लेम ऑफ द पर्सन, यहाँ पे लिख लेना लीगैलिटी ऑफ द क्लेम ऑफ अ पर्सन होल्डिंग दैट ऑफिस। या ऑफिशियल पोस्ट, राइट। चलो जी, प्लीज अंडरलाइन, इट प्रिवेंट्स इलीगल अपसर्च ऑफ द पब्लिक ऑफिस बाय अ पर्सन। द रिट कैन बी इशूड ओनली स्टेट्यूट और बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसा नहीं है कि हर एक जगह कर दिया, बट कोई अथॉरिटी, एक प्रॉपर अथॉरिटी। तो यहाँ पे अगेंस्ट होम के बीच में हम लोग क्या डाल सकते हैं, दैट इज सब्सटेंटिव योर कोई परमानेंट करेक्टर क्रिएटेड बाय द स्टिट्यूट और बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। किसके अगेंस्ट पे कर सकते हैं, कोई कॉन्स्टिट्यूशन या स्टिट्यूट आपकी कोई पोस्ट होनी चाहिए उसके लिए, जिसके अगेंस्ट पे कर रहे हैं। हाँ जी, एग्रीव्ड पर्सन मतलब कि जिस जो सफर हो रहा है वो नहीं, कोई भी और पर्सन भी आके क्वेश्चन कर सकता कि आपने उसको ऐसे कैसे, आपने उसको वो आपकी जो है सजा दी, मतलब कि स्टैंड लुकाई स्टैंड बाय इज नॉट इम्पोर्टेंट है, इज नॉट नेसेसरी, पर जो आपके प्रोहिबिशन और सर्शारी में वहाँ पे लोकल स्टैंड आई इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, वो तो खुद ही कर रहा ना, केस वाला बंदा ही बोलेगा, कोई और कोई बोलेगा, अगर वो बोलेगा तो फिर वो अलग ही कंसेप्ट हो जाता है पीआईएल वाला, कि खोलो इस केस को। समझ में आया, दिस इज ऑल अबाउट योर आर्टिकल नंबर।